पूरे बिहार में जिस प्रकार वार्ड सदस्यों एवं मुखिया जी के साथ बिना तालमेल की बात सामने आती रही है, उसी प्रकार मशरक प्रखंड अंतर्गत गंगौली पंचायत में भी मुखिया एवं वार्ड सदस्यों में स्ट्रीट युद्ध शुरू हो गया है। पंचायत की मुखिया ज्ञानती देवी ने मशरक थाने में एक आवेदन दिया है जो कि 17/10/2022 को दिया गया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अनुसूचित जाति महिला सीट से मुखिया हूँ। मैं जब भी आम सभा कराती हूँ तो गाँव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा आम सभा को बाधित किया जाता है। पुनः बिहार सरकार के पंचायती राज के दिए गए पत्रांक के अनुसार 19/10/2022 को समय 10 बजे से आम सभा मुखिया की अध्यक्षता में कराना है। इस सभा के लिए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग किया गया है। तो वहीं पंचायत के वार्ड सदस्यों के द्वारा एक लिखित आवेदन के साथ मशरक थाने में आवेदन दिया गया है कि मुखिया महोदय के द्वारा पंचायत में बिना आम सभा बैठक किए ही सभी वार्ड सदस्यों से हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जाता है। जब हम सभी वार्ड सदस्यों ने बिना आम सभा कराए एवं बिना योजना का नाम लिखे हुए रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे ऐसा कहते हैं तो मुखिया श्रीमती ज्ञानती देवी के द्वारा दबंगों के नाम से मशरक थाने में आवेदन दिया गया है। हम सभी वार्ड सदस्यों के द्वारा भी एक लिखित आवेदन के साथ अपनी बातों को दर्शाते हुए मशरक थाने में आवेदन दिया गया है। वार्ड सदस्यों के द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में मुख्य रूप से वार्ड संख्या 14 के वार्ड सदस्य इंदुभूषण सिंह, वार्ड संख्या 13 के वार्ड सचिव रविंदर कुमार, वार्ड संख्या 14 के वार्ड सदस्य सुमेश्वर सिंह, वार्ड संख्या 4 के वार्ड सदस्य कुमारी विभा, नंबर 11 के वार्ड प्रतिनिधि प्रदीप कुमार पांडे, वार्ड संख्या 1 के वार्ड प्रतिनिधि शशिकांत मिश्रा के साथ अन्य वार्ड सदस्य शामिल हैं। पड़ेगा आपका इंद्र कुमार सिंह, क्या मामला? मामला है कि मुखिया जी मनमानी तरीके से काम करना चाहते हैं, पंचायत के विकास में जाली दस्तखत करा कर चाहते हैं कि हम टोटल सरकारी योजनाओं का लूट खसोट कर लें। किस पंचायत का मामला है? ये गंगौली पंचायत का है। इसमें क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ग्राम हम लोग वार्ड सभा अपना कराए, हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ब्लॉक में कि आप लोग अपने अपने वार्ड सभा में वार्ड सभा करा कर काम को चयनित कर और वही ग्राम सभा में आप लोग लाजक दीजिए। लेकिन मुखिया भी अनुसूचित जाति के होते हुए हम लोग पर ठोंस जमाते हैं कि हम यदि आप लोग हमारा कहा हुआ नहीं करेंगे, मनमानी करना चाहते हैं कि हमारा कहा हुआ नहीं करेंगे तो हम हरजन कर देंगे, केस में फंसा देंगे। क्या वार्ड में कोई आप लोग का आम सभा नहीं होता है, नहीं कराया जाता है? आम सभा 2 बार हुआ है लेकिन योजना का कोई चयनित नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ साइन की सिग्नेचर कर, केवल कहते हैं कि सिग्नेचर कर दीजिए आप लोग काम को, उस पर कोई रजिस्टर पर। अगला कदम आपके द्वारा क्या लिया जा रहा है? हम लोग अपने आवेदन दे रहे हैं। हम लोग मशरक थाना प्रभारी आपका रविंद्र कुमार, क्या मामला है? मामला है मुखिया जी जबरदस्ती हम लोग को धमकाते हैं कि हमारे मन पसंद से काम नहीं हो करने दीजिएगा तो हम आप लोग को हरजन एक्ट में फंसा देंगे। क्या उसके लिए क्या क्या विवाद हुआ? विवाद कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वार्ड में वार्ड सभा कराए हैं उसके उसी में से चयनित काम को उसमें डाला जाए। मैंने आवेदन देने का कारण क्या पड़ेगा? आप आवेदन दे रहे हैं, आवेदन देने का कारण है कि मुखिया जी थाना में आवेदन दिए हैं कि हम आप लोगों को हरजन एक्ट में फंसा देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। मेरा नाम सुमेश्वर सिंह है। क्या मामला है? मामला है कि हम लोग चाहते हैं जो वार्ड सभा में जो हम लोग काम चयनित किए हैं वही काम ग्राम सभा में चढ़ाया जाए और रजिस्टर वहीं क्लोज किया जाए, वही काम मुखिया जी स्वयं कराए और मुखिया चाहते हैं दर्शन कर ऐसे रहने दिया जाए। वार्ड में कोई बैठक बिना बैठक के साइन करवाया जाता है आप लोगों का? वार्ड ग्राम सभा होता है उसमें हम चाहते हैं भाई रजिस्टर क्लोज कर दिया जाए, काम चढ़ा कर काम चयनित जो हुआ वहाँ रजिस्टर क्लोज कर। काम का चयनित नहीं हुआ कोई? अभी कोई काम का चयनित नहीं हुआ, एक साल से ऐसे चल रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।